गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर बलराम पाल एंड यू आर वॉचिंग द ऑनलाइन क्लासेज ब्रॉट टू बाय श्री एस एन वी खनिया थाना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल चैप्टर फर्स्ट गुड विल। इट्स अ पोएम। दिस हाइम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा चैप्टर 34 विच इज वन ऑफ द फोर वेदाज ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद एंड बींग ऑफ द अदर थ्री। इस कविता में यूनिक सोल और अनंत ज्योति का गुणगान किया गया है। अद्वितीय आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। अनंत ज्योति ही कार्य करने के लिए शरीर को क्रियाशील और शक्तिशाली बनाती है। शुभकामना, इस पोएम का मीन है गुडविल, इसका मतलब क्या होता है शुभकामना। तो इस शुभकामना का आशा है पवित्र मन और पवित्र इरादा। एक साधु पुरुष मतलब ये नहीं कि कोई दाढ़ी बढ़ा के या गेरुए वस्त्र भगवा वस्त्र, मतलब इसका आचरण सात्विक हो उसे ही साधु पुरुष कहा जाता है। कि एक साधु पुरुष अपने शब्द कार्य एवं विचार में सच्चा होता है। कि वह व्यक्ति जो अपने शब्दों में कार्यों में या अपने विचारों में नेक हो उसे हम साधु पुरुष या संत की जो है संज्ञा दे सकते हैं। वही व्यक्ति शुभकामना को विकसित कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी किसी पुरस्कार अथवा अपने कार्य के बदले किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता हो, गीता में भी कहा गया है कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वही व्यक्ति कभी दूसरों से इच्छा नहीं रखता है। वह खिलाड़ी की भावना से दूसरों का कल्याण करता है। वह ईश्वर की उत्तम रचना है। इस कविता में प्रार्थना की गई है कि ईश्वर मानव को शुभ कार्य करने के योग्य बनाए। तो लेट्स मूव ऑन द पोएम। मे बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स, क्या है पहला कि मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स। स्किलफुल का अर्थ होता है निपुण और रिचुअल्स का मतलब होता है संस्कार। इस पोएम में प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि जो बुद्धिमान लोग हैं वह अपने संस्कारों में निपुण बने। कि हे ईश्वर, जो भी हम बुद्धिमान लोग हैं वह अपने संस्कारों में उनको अपनाने में और मैं कैसे बने निपुण बने। एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क। स्टडी मतलब क्या होता है, स्थिर खड़े रहें, स्थिर रहें। किनमें, असेंबलीज, असेंबली मतलब होता है सभा होती है, जहाँ पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या भगवान की प्रार्थना होती है तो उन टास्क को पूरा करने के लिए हम क्या करें, हम स्थिर रहें, हमारा मन स्थिर रहे, हमारा मन उनमें लगा रहे। दैट पियरलेस स्पिरिट, पियरलेस का मतलब होता है अनुपम, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो। कि जो हमारी स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, हमारी भावना है, वो कैसी है, अनुपम है, अद्वितीय है। अद्वितीय आत्मा दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, जो सभी जीवात्माओं में विद्यमान है। मे दैट माई माइंड रिसोल्व ऑन वाट इज गुड, वह हमारे मन मस्तिष्क को इस प्रकार से बना दे कि हम में यह गुण विकसित हो, हम अच्छे और बुरे का फर्क समझ पाए, जो भी अच्छा है उसको हम अंगीकार कर पाएँ। तो यह अपना जो पहली फोर लाइन है इनका मीनिंग जो है कम्प्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पोएम है आपकी मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी। नॉलेज का मतलब, डीप नॉलेज का मतलब क्या होता है, गहन ज्ञान, गहरा ज्ञान, जो बिल्कुल जो चीज़ों को जो विन्यास करके जो सूक्ष्मतम इकाई है ज्ञान की, जो सबसे डीपेस्ट लेयर है वहाँ तक का ज्ञान। उसके बाद क्या है आपका इंटेलेक्ट माने क्या होती है, बुद्धि, बुद्धिमत्ता। मेमोरी मतलब क्या है, याददाश्त। तो ईश्वर करे कि हम जो हमारा गहन ज्ञान है, हमारी बुद्धि है या हमारी याददाश्त है, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। और जो भी डेथलेस मतलब क्या होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जो हमारा अमर जो फ्लेम माने क्या होता है, ज्योति है, ज्वाला है इन लिविंग बींग्स, जो भी हमारे जीवात्मा हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनमें जो कभी ना मरने वाली जो जीवन की जो ज्वाला है,
विदाउट विच नथिंग वाट एवर इज डन, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन वाट इज गुड, ईश्वर करे हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इस प्रकार से हो जाए, हमारी बुद्धिमत्ता इस प्रकार से हो जाए कि जो चीज़ सही हैं उन्हीं को हम स्वीकार करें, ऐसे कार्य ही हमसे बने। मे दैट विच गाइड मैन लाइक अ गुड चैरियटर, इसका मतलब क्या होता है सारथी, कि हे जो हम विच गाइड मैन लाइक अ गुड चैरियटर, मतलब क्या होता है कि एक अच्छे सारथी की तरह हे ईश्वर हमको आप गाइड करो। जिस प्रकार महाभारत के में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, उनको हर उस तमाम उन मुश्किलात जो थीं, जो बाधाएं थीं युद्ध के समय, उनमें उन्होंने जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, हे ईश्वर, हे भगवान, हे प्रभु, आप भी हमारे जीवन के सारथी बनकर हमारा मार्गदर्शन करिए। हु कंट्रोल्स फ्लीट फुटेड हॉर्स विद द रेंस, फ्लीट फुटेड हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, तेजी से सरपट भागते घोड़े, कि जिस प्रकार से तेजी से भागते हुए घोड़ों को रेंस मतलब क्या होती है, लगाम, कि लगाम के द्वारा जो है उनको नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी हम लोगों को, हम जनमानस को अपने ओर से नियंत्रित रखता है, तो आप भी हमको उसी प्रकार से नियंत्रित रखें। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, उसी जिस प्रकार से हमारा जो मन है वो कैसा है, काफ़ी तेज और सक्रिय होता है, उसी प्रकार से आप भी हमको हमारे मन को क्या है नियंत्रित रखें। हम हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, उन पर हमारा नियंत्रण हो। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन वाट इज गुड, अंत में कवि यह कहता है कि हे ईश्वर, आप हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी बुद्धि को इस प्रकार करिए कि जो भी अच्छा हो उसी में हमारा मन लगा रहे। उम्मीद है आपको ये पोयम जो है समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा और करेंगे, इसके जो प्रश्नोत्तरी है या इस पर जो एक्सटर्ट जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तब तक आप अपने इस पाठ से संबंधित अपने नोट्स तैयार करते रहें, और जो भी आपको इसमें डाउट्स हैं वो आप विद्यालय आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उन तमाम डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।